नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज हम हरियाणा की ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिसे प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है। यही नहीं, यह नाम प्रदेश के बूढ़े हो चुके लोगों को भी नहीं भूला, भले ही हरियाणा की राजनीति किसानों से शुरू होती हो। लेकिन किसानों के हितों की बात करने वाले सबसे पहले असाधारण नेता चौधरी देवीलाल थे। चौधरी देवीलाल हरियाणा के लोगों में इतने पॉपुलर हो गए कि उन्हें ताऊ के नाम से जाना जाने लगा। वह देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। हालांकि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाना था, लेकिन उन्होंने कभी सत्ता का लालच नहीं किया, इसीलिए उन्होंने उप प्रधानमंत्री के पद से ही संतोष कर लिया। उप प्रधानमंत्री बनते ही उनका यह सपना रहा कि वह किसी तरह हरियाणा के किसानों, गरीबों, मजदूरों, कमेरों और आम लोगों के लिए कुछ कर गुजरे। उप प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने केंद्र में हरियाणा के लिए अच्छी योजनाएं चलाई और उन्हें लागू भी करवाया। आप भी सोच रहे होंगे कि ना तो उनका जन्मदिन है और ना ही श्रद्धांजलि दिवस, फिर ताऊ देवीलाल की बात क्यों की जा रही है। इसकी भी एक बड़ी वजह है, जिस नाम की बदौलत आपने राजनीति की, जिनके नाम की बदौलत आपको बार बार सत्ता में आने का मौका मिला, जिनके नाम की बदौलत आपको भाजपा की सरकार में भागीदारी मिली। यदि आप उस नाम को भुला देंगे तो फिर यही समझा जाएगा कि ताऊ देवीलाल का नाम केवल और केवल सत्ता हासिल करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। पूरे प्रदेश की बात तो बाद की बात है, लेकिन यदि सीएम सिटी की बात की जाए तो यहां पर ताऊ देवीलाल के नाम से स्थापित किया गया ताऊ देवीलाल चौक जिस बदहाली और गंदगी के दौर से गुजर रहा है, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आप कह ही नहीं सकते कि परदादा के नाम पर राजनीति कर तथा विधानसभा में सीटें हासिल कर भाजपा के साथ सत्ता में आए, अब उस परदादा को लगभग भुला दिया गया है। हम आपको इसका एक सटीक प्रमाण भी दिखाएंगे और यह भी दिखाएंगे कि किस तरह से जजपा नेताओं ने यह स्वीकार किया कि उनसे चूक हो गई है। आज हम आपको ताऊ देवीलाल चौक ले चलेंगे। दरअसल जब समाचार एक्सप्रेस की टीम इस चौक से गुजर रही थी तो चौक की बदहाली देखकर हमारी टीम भी दंग रह गई। पहले आपको ले चलते हैं ताऊ देवीलाल चौक, जहां पर हमारे चीफ एडिटर हरीश चावला ने उस पार्क की समीक्षा की। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो एक बहुत बड़ी महान विभूति से जुड़ी हुई है। देश की बहुत बड़ी शख्सियत रही हैं। हरियाणा में एक अलग से उनका जलवा था, एक अलग हरियाणा के लोगों ने उनको नाम दे दिया। मैं उसी स्थान पर खड़ा हूँ, मैं ताऊ देवीलाल जी की बात कर रहा हूँ। देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने बहुत एक जैसे राजनीति के लिए त्याग दिया। वो भारत के उप प्रधानमंत्री जो चौधरी देवीलाल के लिए एक चीज़ कही जाती थी कि वो एक कल्याण जन कल्याण मिशन पे हैं, वो लोक राज में लोक राज की शक्ति देखना चाहते थे। उन्होंने करीब 7 दशक यानी कि 70 साल देश की राजनीतिक जो मानचित्र पर ऐसी इबारत लिखने में बिता दिए जिसमें शोषण के खिलाफ एक संपूर्ण जिहाद की बात की जाती थी, जिसमें हर हाथ के लिए काम, हर पेट के लिए रोटी, हर खेत के लिए पानी, हर घर के लिए रोशनी और हर इंसान के लिए एक छत के सपने ताऊ देवीलाल यानी कि चौधरी देवीलाल देखा करते थे। आज वो दिवंगत हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है, आज वो हमारे बीच में नहीं है। वे कहते थे कि मैं हर गरीब बच्चे को वीरान आंखों में उज्जवल भविष्य की तरह देखता हूँ, और एक उनके अंदर उज्जवल भविष्य की महत्वाकांक्षाएँ भर देना चाहता हूँ। वो जो देश के सभी जो मेहनतकश मजदूर से उनके कंधों से बोझ भी और कर्जे का बोझ भी हटा देने की पक्षधर थे, इस तरह की वो बात करते थे। उन्होंने विदेशी साम्राज्यवादियों से भी टक्कर ली और स्वतंत्र भारत में भी इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी ज़िंदगी तक जूझते रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर चौधरी देवीलाल को ताऊ का नाम किसने दिया।
हम उस समय बहुत छोटे थे और हमारी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। उस समय चौधरी देवीलाल जी का नाम होता था। कहा तो ये जाता है, बहुत पुराने वक्त की बात है, कि वो गांव में जाते थे, गांव की चौपालों में। पहले आपको पता है कि आज तो चौपालों का रूप रंग बदल गया है, लेकिन पहले जो रूप रंग था वो ऐसे होता था जैसे एक जैसे गाँव में खाट बिछी जाती है, लकड़ की बाण वाली लकड़ जिसको बोलते हैं, उसकी खाट होती थी, चारपाई जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं। तो ताऊ देवीलाल जी के लिए एक चादर बिछाई जाती थी खाट पे, वो बैठते थे वहाँ चौपाल के अंदर। गांव के लोग इकट्ठे होते थे और बेबाक टिप्पणियों से वो भाषण भर के जो है वो ग्रामीणों में जोश भर देते थे। उन्होंने ताम्र जो सपने देखे वो कभी उससे चुके नहीं। उन्हें त्याग की मूर्ति इसलिए कहा गया था, वो भी मैं आपको पल याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा कि जब वीपी सिंह की सरकार देश में बनी थी तो एक्चुअली में देवीलाल जी का नाम आगे किया गया था, प्रपोज किया गया था प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन राजनीति केंद्रीय राजनीति के इतने माहिर नहीं थे। सादगीपूर्ण जिंदगी में वो जीते थे ताऊ देवीलाल, उनका तो सिर्फ एक सपना होता था, कामगार मजदूर बच्चे गरीब और आम लोगों की वो बात करते थे किसी तरह उनका भला हो जाए। तो उन्होंने जो ताज उनके सिर पे प्रधानमंत्री पद का आया, वो उन्होंने वो पगड़ी जो है प्रधानमंत्री की वो वीपी सिंह के सिर पे रख दी। और वीपी सिंह के राज को भला क्यों नहीं भूल सकता, कौन भूल सकता है जो उस ज़माने को याद करता होगा, क्योंकि उस समय पूरा देश जो है आरक्षण की आग की चपेट में आ गया था। हालांकि वो सरकार थोड़े दिन चल पाई, कुछ महीने चल पाई, और इसके बाद वीपी सिंह की सरकार का भी पतन हो गया। लेकिन आज भी ताऊ देवीलाल को एक राजनीतिक के तौर पे, स्वच्छ राजनीति के तौर पे जाना जाता है। और उन्हें सबसे बड़ी बात है कि इस वजह से जाना जाता है कि उन्होंने राजनीति में त्याग भी दिया। त्याग किस लिए दिया, कि वो ये नहीं चाहते थे कि अगर उनकी सरकार बनी है तो किसी लोभ लालच के अंदर वो टूट ना जाए। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लक्ष्य का जो उनका पद था जिसको राजनीतिक दल सौंपना चाह रहे थे उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया। भाई किस तरह देश को एक स्थिर सरकार मिले और वे उप प्रधानमंत्री रहते वो सपने पूरे कर दें। हालांकि वो प्रधानमंत्री बने। ताऊ देवीलाल जी हरियाणा की बड़ी शख्सियत थे, आज भले ही लेकिन हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी याद में आपको पता होगा हरियाणा के हर ज़िले के अंदर उनके नाम से कई पार्कें बनी, कई स्तंभ बनाए गए, कई मूर्तियां उनकी हो गई, स्थापित की गई। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद आखिर जो मूर्तियां लगाई गई, जो उनके नाम से पार्क लगाए गए या जो उनके नाम से चौक स्थापित किए, अब उनकी रखवाली कौन करेगा? अब सवाल ये पैदा हो रहा है। ताऊ देवीलाल जी के बारे में मैं आपको और भी बात बताऊँगा, लेकिन इस समय मैं मौजूद हूँ, मैं अपने कैमरामैन सनी चौधरी से कहूँगा कि एक बार जो है ना इस तरह का नज़ारा एक बार दिखा दे कि सामने जीटी रोड है, सामने जीटी रोड है और जीटी रोड पर देख लीजिए ये ताऊ देवीलाल चौक के नाम से विख्यात है। पहले इसको मेरठ चौक कहा करता था। ये जो सड़क जा रही है ये इधर सीधी ये यूपी की तरफ जा रही है मेरठ की तरफ, और ये इधर की सड़क करनाल को जोड़ती है। आज हमारा जो मुख्य मकसद है इसलिए कि ताऊ देवीलाल को महान विभूति बताया गया, चौधरी देवीलाल से ताऊ बन गए और देश के हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और देश के भी वो रहे अपना उप प्रधानमंत्री रहे। ये देखिए उनकी मूर्ति देखिए, बड़ी विशाल मूर्ति है। ताऊ देवीलाल जी के सिर पे पगड़ी है बकायदा, और जो हरियाणवी जो एक वो लिबास होता है ये वो धोती डालते थे और साथ में एक चद्दर जो ओढ़ के रखते थे, ठीक उसी तरह की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। जननायक ताऊ देवीलाल, इसे देवीलाल चौक कहा जाता है। जननायक चौधरी देवीलाल जी के बारे में लिखा हुआ है कि वो 25 सितंबर 1914 को पैदा हुए और वो 6 अप्रैल 2001 को उनका स्वर्गवास हो गया। और बड़े मज़े की बात यह है कि इन्हें जननायक की संज्ञा दी गई, ताऊ के साथ साथ जननायक की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये जन जन में प्रिय थे इसलिए इन्हें जननायक भी कहा गया। और मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि इस जो चौक का उद्घाटन किसने किया था, ये डेट यहाँ पे आज भी लिखी हुई है। जननायक चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा बीती 4 अगस्त 2002 को संपन्न हुआ, यानी कि ये जो चौक था ये 4 अगस्त 2002 को इसका उद्घाटन किया गया था, उसी दिन स्थापित हुआ।
पहले जो इसको मेरठ चौक के नाम से जाना जाता था, अब वो इस चौक को देवीलाल चौक के जाना गया। हमारा आने का मुख्य मकसद एक और था, प्रदेश में इस समय भाजपा और जदपा गठबंधन की सरकार है, यानी कि जेजेपी पार्टी का नाम भी जो है जननायक जनता पार्टी, यानी कि जननायक ताऊ देवीलाल। हमेशा आपको याद होगा कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश ज्वाला जी जब विधानसभा का चुनाव लड़ते थे तो वो देवीलाल के सपनों की बात करते थे, वो देवीलाल की बात करते थे, देवीलाल की बातों में लोगों को एहसास दिलाते थे कि हम देवीलाल के उन सपनों को साकार करना चाहते हैं जो उन्होंने हरियाणा की जनता ने देखे। और आपको याद भी होगा कि प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार भी बनी और ओम प्रकाश चौटाला कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन सबसे अच्छा काम किया ताऊ देवीलाल ने। ताऊ देवीलाल ने काम इसलिए किया कि वो कहा करते थे कि जब हमारी जब अलग से सरकार बनेगी तो मेरा सपना है कि मैं हर जो वृद्ध आदमी है या चाहे वो बूढ़ी महिला है या वृद्ध पुरुष है वो उसको एक पेंशन देना चाहता हूँ। ये पेंशन की शुरुआत जो है हरियाणा से हुई थी, ताऊ देवीलाल ने उसकी शुरुआत करवाई थी। तो मेरे को आज भी याद है 100 रुपये हर महीने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत जो है हरियाणा से हुई थी। शायद आज मेरे ख्याल 2000 या 2200 के आसपास ही है बुढ़ापा पेंशन लोगों को मिलते, लेकिन इसकी शुरुआत ताऊ देवीलाल से की गई है। ताऊ देवीलाल जी एक और चीज़ देखते थे कि वो ये चाहते थे कि उन्होंने जब उसके ओम प्रकाश चौटाला जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो ताऊ देवीलाल ने कहा, ताऊ देवीलाल की आज एक बात मेरे को याद है, जब एक बार जनसत्ता में अखबार में मुझे शीर्षक छपी थी, भाई अगर ओम प्रकाश मेरा बेटा ओम प्रकाश अगर तुम्हारी बात ना सुने तो मुझसे शिकायत करना कि मैं अपने बेटे के कान खींचूंगा। इस तरह की बात वो पब्लिक के बीच में बोल देते थे, वो बेबाक टिप्पणी कर देते थे और लोग बड़े खुश होते थे कि भाई ताऊ देवीलाल वाकई में जो है ना असाधारण प्रतिभा के धनी। तो आज मैं बात इसलिए ताऊ देवीलाल की कर रहा हूं कि प्रदेश में भाजपा की सरकार दूसरी बार बनी है और जेजेपी के समर्थन से बनी है, जेजेपी के 10 विधायक सपोर्ट कर रहे हैं और जो देवीलाल जी के पोते हैं दुष्यंत चौटाला जी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। अब काफ़ी समय हो गया दूसरी बार दूसरी विधानसभा का गठन हुए जो बीजेपी के जो कार्यकाल की सरकार की, मुझे तो शायद याद है कि दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद कभी यहाँ भी आए हों, उन्होंने देखा भी हो कि मेरे दादाजी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, कभी उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हों, मेरे तो ध्यान में नहीं है क्योंकि अभी तक तो उनका कोई बड़ा दौरा हुआ नहीं है यहाँ पे। और वैसे भी पिछले 4-5 महीनों में जो कोरोना काल चला उस समय कोई नेता पब्लिक को नज़र नहीं आया, लेकिन अब ये जो ताऊ देवीलाल चौक है या आपकी व्यवस्था आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे कि प्रदेश में सरकार तो हो बीजेपी जदपा की और एक बहुत बड़ी हरियाणा और देश की शख्सियत जिसे जननायक कहा जाता हो, जिसे ताऊ देवीलाल ताऊ की संज्ञा दी गई हो और एक प्रतिभा का धनी व्यक्ति हो राजनीति में और एक त्याग जिसे त्याग और तपस्वी की मूर्ति कहा जाता हो राजनीति के लिए, जिसने अपने सिर पर आया प्रधानमंत्री का ताज भी किसी और के सर पर रख दिया, ऐसी शख्सियत के नाम पर जिस प्रतिमा का आवरण किया गया, ऐसी शख्सियत के नाम पर जिस चौक का नाम रखा गया, उसकी आज हालत अगर आप देखें तो बहुत दयनीय है। हमें भी दुख होता है कि सरकार जेजेपी की है प्रदेश में, साथी है बीजेपी की, तो ये फिर दुर्दशा क्यों है। अब मैं आपको धीरे धीरे वो चीज़ें भी दिखाऊँगा जिससे आपको भी पता लगे कि सत्ता आने के बाद किस तरह से आदमी जो ना वो लापरवाह हो जाता है। इसे मैं तो इसे लापरवाही कहूँगा कि अपने जो बुज़ुर्ग हैं अपने परिवार के बुज़ुर्ग हैं जिनके नाम से कुछ रखा गया हो, शायद मैं आपसे ही पूछ लूँगा कि आपके पिता या दादा के नाम पर कोई चीज़ बनाई गई हो, कोई समाधि या कोई और अन्य चीज़ बनाई गई हो, तो जाहिर सी बात है कि आप उसकी देखरेख ज़रूर करेंगे। अगर देखरेख नहीं करेंगे तो समाज जो है आपको ताने देगा और आपको कहेगा कि आप अपने पूर्वजों की कदर नहीं कर रहे। ठीक वैसा ही यहाँ हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि जेजेपी अकेली इसकी जिम्मेदार है, इनेलो भी इसकी जिम्मेदार है। मैं तो दोनों क्योंकि इनेलो भी ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय चौटाला जी इनेलो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि अजय चौटाला जी और दुष्यंत और विजय है जजपा से ताल्लुकात रखते हैं। अभी
कुछ महीने कुछ साल पहले ही उन्होंने जेजेपी का गठन किया था, कोई पारिवारिक विवाद हो गया था। चलो मैं उस पचड़े की बात नहीं करता, लेकिन अब आपको एक बार हालात का हम मुआयना कर लेते हैं, फिर हम बात भी करेंगे। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा, मैं अपने कैमरामैन सनी चौधरी के साथ कहूँगा। ये देखिए, ये आप देखिए, ये जो साथ में जो रेलिंग लगी है स्टील की, आप इसे ध्यान से देखिए कितनी सुंदर है बनावट, इससे कितना खर्च किया होगा। और सीढ़ियों पे देखो बकायदा किस तरह का लाल रंग का पत्थर लगाया गया है, और पत्थर के नीचे बकायदा ईंटें लगी हैं। लेकिन देखिए नीचे क्या हालत है, सूखे पेड़ पत्ते पड़े हैं। इधर आप देखिए, ये सामने छोटा सा एक पार्क नज़र आ रहा है मेरे को, टहनी टूटी पड़ी है और गंदगी का आलम है। को खाली यहाँ नहीं है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ आपको। इसका जो प्रवेश द्वार है वो चढ़ने लायक है, वो देखिए आप, जहाँ से चढ़ाई चढ़ के आदमी अंदर आता है इस चौक के ऊपर और इससे पार्क में एंटर करता है, ये देख लीजिए आप, इसकी हालत देख लीजिए, घास की जनाब देखिए, खड्डा देखिए, ये आप देखिए फुटपाथ, इतना बड़ा फुटपाथ बनाया गया है, यहाँ पत्थर लगा हुआ सारा, और इधर सारी घास उगाई गई थी भाई, ग्रीनरी इसलिए छोटी छोटी घास लगाई गई थी ताकि यहाँ जो पार्क की सुंदर, जो चौक की सुंदरता में चार चांद है। देखिए आप, इतना बड़ा गड्ढा है, क्या ये गड्ढा अच्छा लगता है? अब इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अब ये आ जाइए इधर, इतनी बड़ी बड़ी घास देखिए आप, इधर कितनी बड़ी घास है। अब ऐसे लगता है कि कई महीनों से जो है ना इसकी देख रेख नहीं की गई है, घास काटी नहीं गई है। आसपास दुकानें बड़ी दूर है नहीं, हम उन दुकानदारों से पूछते कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर कोई आता नहीं है। अब इधर देख लीजिए, एक जननायक सेवा दल के नाम से ये कमरा लगा हुआ है, बना हुआ है, शायद ये लोगों के बैठने के लिए है, क्योंकि ये चौक है और बारिश आंधी तूफान से शायद बैठने के लिए जननायक सेवा दल का नाम दिया गया। निश्चित तौर पर हरे रंग की लिखाई लिखी गई है, तो ये मेरे को लगता है इसी से संबंधित है। मैं अब ले चलता हूँ आपको, धीरे धीरे देखिए आप नज़ारा देखिए। सत्ताधारी दल, मैं तो जेजेपी की बात करूँगा क्योंकि जेजेपी सत्ता में है, भले ही इनेलो सत्ता में नहीं है। ये देखिए, ये एंट्री द्वार के हाल देख लीजिए, पत्थर साफ नज़र आ रहे हैं, घास गायब है यहाँ पे, और वहाँ दूसरी तरफ घास गमी हुई थी, यहाँ कोई जो है, इधर देखिए नीचे, ये देखिए कभी घास को रेदी ही नहीं गई। अब इसमें 100 तरह के जीव जानवर जंतु, क्योंकि चौमासा लगा हुआ है, बारिश का मौसम है, और इधर देखिए ये ताला लगा हुआ है कमरे में। किस चीज़ का कमरा है भाई ये? आप यहीं आसपास रहते हो क्या? यहीं आसपास रहते हो क्या आप? हैं, तो अक्सर यहीं बैठते हो आप? ये कमरा किस चीज़ का है? ऑफिस बनाया हुआ क्या ये? किसका है? जो इसके पास जो चौक की व्यवस्था देखते हैं। लेकिन ये कमरा है, अंदर कुर्सियां पड़ी हैं और कुर्सियों पे धूल है, कमरा बंद है। लेकिन ये जो लोग बैठे हैं, इनका ये कहना है कि देख रेख करते हैं। किस चीज़ की देख रेख करते हैं भाई ये? कौन करता है इसकी देख रेख? बोला कौन बांट के, कब की बात? तुम का कितने साल से रह रहे हो भैया? पहले संडे को कौन आता था यहाँ पे? पार्टी वाले आते थे इन्हीं के बाबूजी। अच्छा, 2 साल पहले? हाँ। अच्छा यार, अब तो पार्टी 2 साल पहले नहीं आते थे, अभी लॉकडाउन के पहले तक आए। अच्छा, वो लॉकडाउन के बाद आए ही नहीं है? लॉकडाउन के बाद। अच्छा, लॉकडाउन से पहले आते थे? हाँ। तो इसका मतलब 5-6 महीने हो गए? 3-1 महीना तो हो गए होंगे। अच्छा, ये जो कर्मचारी हैं, ये प्रवासी मजदूर हैं, यहाँ पे काम करते हैं, इनका ये कहना है कि पहले आते थे 2 साल पहले, यहाँ हर संडे को सफाई सफूई कर जाते थे, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं आता था। ये कमरा उन सफाई कर्मचारियों के लिए है, अलग से इसमें कुर्सियाँ देखी है मैंने, अंदर बंद पड़ा, ताला लगा हुआ है। ये बिजली का खंभा लगा हुआ है, ये एंट्रेंस है यूपी से करनाल की तरफ, एंटर यानी कि एंटर ये होता है कि अगर आप किसी शहर में अंदर जा रहे हैं, आपने शायद देखा होगा लिबर्टी चौक है वहाँ, जो बलड़ी बाईपास चौक पर किस तरह का वहाँ सुंदर एक भव्य बनाया गया है, और इसी तरह का यहाँ एक एंटर होता है, तो इसको सुंदर नज़र आना चाहिए। लेकिन ये क्या आपको सुंदर लगता है? देखिए आप, इसमें से जो गंद पड़ा है, जो गंदगी अटी पड़ी है, मेरे को काफ़ी समय से उठाई नहीं गई है, देखिए ये भरा पड़ा है, और ये इधर सारी गंदगी नज़र आ रही है, और ये ऊँची ऊँची कांग्रेस घास, इसमें पता नहीं क्या कुछ नज़र आता होगा। आपने देखा कि ताऊ देवीलाल के नाम से स्थापित किया गया जननायक ताऊ देवीलाल चौक किस तरह बदहाली के दौर से गुजर रहा है।
अब हम ताऊ देवीलाल के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नई युवा पीढ़ी शायद उनके इरादों से वाकिफ ना हो। आप जाइएगा कहीं मत, क्योंकि आगे हम आपको यह दिखाएंगे कि जजपा नेता किस तरह से अपनी चूक स्वीकार कर रहे हैं। ताऊ देवीलाल का जन्म 1914 में हुआ था, लेकिन 2001 में उनका स्वर्गवास हो गया। वह हरियाणा के दो बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हरियाणा की राजनीति में उनका कद इतना बढ़ गया कि उन्हें 19 अक्टूबर 1989 को उप प्रधानमंत्री के पद से नवाजा गया। खास बात यह रही कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी किया, क्योंकि 1962 से उन्होंने हरियाणा को अलग राज्य बनवाने में एक निर्णायक नेता की तरह भूमिका अदा की, और तब कहीं जाकर 1966 में हरियाणा का गठन हो पाया। ताऊ देवीलाल की एक खास बात यह थी कि उनकी राजनीति हरियाणा के किसानों और कमेरों पर केंद्रित थी। वह किसानों पर कर्ज के बोझ को लेकर लगातार चिंतित रहते थे। जब वह प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने फसलों के दाम बढ़ा दिए थे और यह निर्देश भी दिए थे कि जिन किसानों ने भूमि को बैंकों में रखकर कर्ज लिया है उनकी भूमि कतई ना हड़पी जाए। वह गांवों में बनी चौपाल में आम लोगों के बीच पहुंचकर उनके दुख दर्द भी साझा कर लिया करते थे। इसके बाद जब इंडियन नेशनल लोकदल का गठन हुआ तो ओम प्रकाश चौटाला ने चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे सरकाते हुए कई बार सत्ता भी हासिल की। यह चौधरी देवीलाल का प्रताप ही था कि जब हरियाणा के बुजुर्गों के हाथ बुढ़ापा पेंशन के रूप में 100 रुपए का पत्ता हाथ में आया। हमने संक्षेप में चौधरी देवीलाल के बारे में आपको बताया। इनेलो भी चौधरी देवीलाल के दम पर सत्ता में आती रही, और जब दुष्यंत और दिग्विजय इनेलो से अलग हुए तो उन्होंने जजपा का गठन भले ही किया लेकिन पार्टी का नाम जननायक के नाम से शुरू किया। बीते विधानसभा चुनाव में दुष्यंत और दिग्विजय ने अपने परदादा ताऊ देवीलाल के नाम का बार बार जिक्र कर विधानसभा चुनावों में ना केवल 10 सीटें हासिल की बल्कि भाजपा के साथ सत्ता में भागीदारी भी कर ली। जब दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए चंडीगढ़ जा रहे थे तो बकाया वह इसी देवीलाल चौक पर रुके थे और उन्होंने अपने परदादा ताऊ देवीलाल की प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक होते हुए उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए थे। अब आपको ले चलते हैं जजपा के एक नेता के पास जो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भारी चूक हो गई। वह यह भी कह रहे हैं कि जब वह 4 साल के थे तो उन्हें ताऊ देवीलाल का आशीर्वाद भी हासिल हुआ था। आपको उनकी बातों से खुद एहसास हो जाएगा कि सत्ता हासिल होने के बाद किस तरह से अपने ही लोग मुंह फेर लेते हैं। आप उन्हें सुन लीजिए, फिर हम आपको सुनवाएंगे कि एक दिन पहले करनाल में पहुंचे जजपा के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह बातचीत शुरू होते ही ताऊ देवीलाल का नाम कितनी शान से ले रहे हैं। फिर हम आपको यह भी दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश से आए एक प्रवासी मजदूर ने आखिर क्या कह दिया कि जिससे जजपा नेताओं के चेहरे सुर्ख लाल हो गए। यह उस प्रवासी मजदूर का जजपा नेताओं पर एक जोरदार तमाचा था। पहले आप सुनिए कि वहां मौजूद जजपा नेता अमनदीप चावला ने क्या कहा। अमनदीप जी, अब जो प्रदेश की सारी इकाइयाँ भंग हो गई हैं, आप जिला अध्यक्ष रहे हैं। युवा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, पहले अभी हल्का अध्यक्ष जनरल बॉडी का करनाल से हूँ। आप मेरे ख्याल अभी भी एक सोशल कार्यक्रम से आए। जी कहाँ? कमेटी चौक से कुंपा रोड, सारा शहर जितनी मार्केट है सारा सैनिटाइज करेंगे उसको। अच्छा, उस सारे शहर को आप सैनिटाइज करोगे? जी, बहुत अच्छी बात है। आज इन का स्थापना दिवस था, कल प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे और इनसो और युवा जनरल मिलकर सबने जेजेपी ने एक ब्लड कैंप लगाया था कल। अच्छा, जो आप कह रहे हो कुंजपुरा रोज को सैनिटाइज करोगे, आप ये कैसे करेंगे? ट्रैक्टर पे जो मशीन होती है, जो जीरी या कणक में जिससे स्प्रे किया जाता है,
उस मशीन को बुलाकर उसमें सैनिटाइजर डालकर उससे स्प्रे करेंगे। ये कब होगा स्टार्ट? आज हो चुका है। अच्छा, किसने की शुरुआत? शुरुआत प्रेम शाहपुर जी थे, मैं था, राहुल तोमर था, बाकी सारे साथी थे, बाबा बल्डी जी हैं, अमनदीप चावला जी हैं। ये बता रहे थे युवा इनेलो के जिला अध्यक्ष रहे हैं, ये बड़े सक्रिय हैं, पहले इनेलो में थे लेकिन उसके बाद ये जेजीपी से जुड़ गए। और इनके जो पिताजी थे ज्ञान चंद चावला जी, वो नगर निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं, और मैं इनके पिताजी को अच्छी तरह जानता हूँ। ज्ञान सिंह चावला जी को बड़ी मेहनती हैं और लोगों का बड़ा जुड़ाव है, शायद उसका राजनीतिक लाभ उनके बेटे अमनदीप को जरूर मिला है, क्योंकि लोग ज्ञान सिंह चावला जी से बड़ा मेल मिलाप रखते हैं और बड़े आदर और सत्कार के साथ आज भी करनाल की राजनीति में उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि उनकी जो राजनीति है बिल्कुल बिल्कुल बेदाग और स्वच्छ रही है। अमनदीप जी, आपने कहा कि आप पूरे कुंजपुरा रोड को सैनिटाइज करोगे, अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ रश बहुत रहता है और पब्लिक तो आप जानती हैं, वहाँ बड़े बड़े शोरूम हैं और किस तरह से लोग आजकल डरते नहीं हैं कोरोना से, और एक के दो हाथ रख के कंधे के ऊपर धक्का दे के दुकानों में भी घुस जाते हैं। अच्छी बात है, आप सैनिटाइज करोगे कुछ ना कुछ खतरा कम होगा। लेकिन अमनदीप जी, आप एक तरफ तो पूरे शहर को, आप एक भीड़ भाड़ वाले इलाके को आज आपने कहा कि सैनिटाइज करने की शुरुआत होगी। मैं इस देवीलाल चौक पर खड़ा हूँ, आप इस चौंक की हालत देख रहे होंगे। ये प्रवासी मजदूर एक बैठा है, इसने कहा कि चाबी आप मुझे दीजिए, मैं इसकी घास भी उखाड़ूंगा, इसकी गंदगी भी रोज़ साफ़ करूंगा। पहले हर संडे को होती थी, कोरोना काल से पहले की बात बता रहा है ये। जी, लॉकडाउन से पहले यहाँ पे हर संडे को चाय का लंगर, या सर्दियाँ हो चाय, गर्मियाँ हो तो शरबत बिस्कुट खाने का लंगर और यहाँ पर लगे रहते थे। हर संडे को यहाँ पर हमारा प्रोग्राम होता था जननायक सेवा दल का। लॉकडाउन के कारण वो स्थगित करना पड़ा और दोबारा शुरू नहीं हुआ अभी तक। मेरे को ये पता लगा कि 2 साल हो गए। नहीं नहीं, 2 साल नहीं हुए, काफ़ी टाइम से लॉकडाउन में ही बंद हुआ वो, उससे पहले लगातार। कितना पहले चल रहा था? अच्छा, चल रहा था जिस दिन जननायक सेवा दल बना था उस दिन से लॉकडाउन तक चल रहा था। जननायक सेवा दल आपका 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 2019 दिसंबर 2019 उसके बाद मतलब यहाँ पे। अच्छा, एक मैंने कई बार देखा राजीव पाटा जी आते थे वो, जी। उन्होंने शायद इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था देखी, खुद भी सफाई करते थे। मैंने 2-3 बार यहाँ किया जब मैं ब्यूरो चीफ था, मैंने देखा खुद, उनको कवरेज किया, मैंने कवर किया उसके। त्रिवेणी भी लगाई गई थी उनके ही उससे। अब देख लो जी, अमनदीप जी मेरे को तो कोई नज़र नहीं आ रही। ये आप देखिए ना, त्रिवेणी का ही है और अंदर भी है, एक यहाँ भी त्रिवेणी है और एक वो अंदर देख रहे हैं, अंदर भी वो पार्क के अंदर, पार्क के अंदर। हाँ, वो सामने लगी हुई पीपल, नीम और बड़। लेकिन ये आप ये देखो, इतनी ऊंची घास, इसकी तो सफाई नहीं, बिजली का एक खंभा है बीच में। और क्योंकि आप ये जो सड़क जो है यूपी से मेरठ से आ रही है और करनाल में, ये तो एक नाम है जननायक ताऊ देवीलाल का, त्याग की मूर्ति है उन्हें कहा जाता है। उन्होंने बड़ा त्याग किया राजनीति में, प्रधानमंत्री का पद भी वीपी सिंह को सौंप दिया था। तो अगर बाहर से कोई आता है, अगर इस तरह की ताऊ देवीलाल चौक के नाम पे इतनी अगर गंदगी का आलम है, तो मेरे हिसाब से कल ही आपको ये साफ मिलेगा। ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद हमारी चूक लगाई है, हमारी कमी लगाई है, लेकिन अगली बार आपको ये कमी नहीं मिलेगी। चलो, अमनदीप जी ने मान लिया कि हमारी चूक है, इसे आप गलती मान लीजिए, चूक मान लीजिए, लेकिन कल ये नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो पार्क है जिस नाम से है, उनका नाम ताऊ देवी लाल है और जन नायक भी साथ लिखा हुआ है। उनके बेटे जो प्रदेश के सुस में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इनका उद्घाटन किया था पार्क का। लेकिन आज जननायक जनता पार्टी भी बनी, उसी नाम से बनी, जननायक से नाम से बनी। अच्छा, इनेलो वाले भी यहाँ नहीं आते, उनका भी तो नैतिक फर्ज बनता है। आते हैं लेकिन दादा तो उनके भी हैं। बिल्कुल है। बराबर हैं, तो एक पूरे हरियाणा के लिए एक ताऊ देवीलाल जी तो त्याग की मूर्ति हैं, पूरे हरियाणा की शान आन बान है। तो कोई ऐसा तो नहीं भी जेजेपी वाले कर रहे हैं, इनेलो वाले नहीं? नहीं नहीं, ये सब के लिए खुला है। अच्छा, एक एक भी है पूरे हरियाणा के लिए, एक ही तरह का ताऊ देवीलाल जी पूरे देश के लिए जाने गए हैं, पूरे देश के लिए ताऊ देवीलाल जी हैं। ठीक है अमनदीप जी, एक सवाल और पूछूंगा जरूर आपसे। जब राजीव पाटर जी ये काम करे तब इनेलो थी या जजपत?
जजपा जब बनी थी 9 दिसंबर को, उसके बाद से राजीव पाटारी शुरू हुए थे, उसके पहले नहीं थे। इससे पहले इन लोगों का कौन करता था? जो भी जिला अध्यक्ष रहा या जो भी होती थी सफाई खुद ही। तब मैं युवा का जिला प्रधान था, मेरी ही ड्यूटी थी यहाँ पर जी। तो जब भी होता था मैं खुद करके जाता था यहाँ पे। अच्छा, आप उस समय? हाँ जी, 2014 में मैं युवा का जिला प्रधान बना था। जब तक पार्टी बनी तब तक युवा जिला प्रधान था। 2010 में युवा का हल्का प्रधान बना था। 2010 से तकरीबन आज तक तो यहाँ पर खुद ही कर रहा हूँ। मतलब आपको ताऊ देवीलाल जी से खासा प्यार है? वो त्याग की मूर्ति हैं हमारे लिए। एक देखा जाए तो उनसे राजनीति हमने सीखी है, उनके पैरों के पीछे चलकर चलना सीखा हमने। तो देवीलाल जी को मैं पहली बार मिला था सन 1990 में, तब शायद मेरी उम्र 4 साल थी। पिताजी पार्षद थे तो उनके साथ महेंद्र सिंह लाठर जी की कोठी में मिला था। तो तब से लेकर आज तक उनके लिए एक मन में था कि कुछ करना है तो इनके पैरों के पीछे चल के कर। अच्छी बात की आपने बताया कि उनसे सीखी है, आप 4 साल के थे। अच्छा, एक सवाल और भी है, आप क्योंकि अब दुष्यंत चौटाला जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी कभी इस चौक पे आए हैं? बिल्कुल आए हैं जी। कब आए? जब पार्टी बनी उसके बाद शुरू में यहाँ से जाते हुए, यहाँ से वो माथा टेक कर तभी ओथ लेने के लिए जब चंडीगढ़ गए तो यहाँ से माथा टेक कर गए थे। उसके बाद कभी उन्होंने इस चौक को आए होंगे? ऐसा नहीं है कि नहीं आए, हालांकि जब भी कोई बात हो तो चर्चा करते हैं, पूछते हैं इस यहाँ पे सब ठीक है क्या है। पिछले 6 महीनों में उन्होंने पूछा नहीं कि लॉकडाउन में सफाई किसने? वो लॉकडाउन करके हो सकता है सारी व्यवस्था ऐसी रही, तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। उनकी तरफ से तो पूछा जाता है। अमनदीप जी, अब तो अनलॉक 3 चल गया, अनलॉक 1 भी आया, 2 भी आया, दो महीने हो गए। इसीलिए कहा जावला जी कि कल सुबह आपको ये नहीं मिलेगा, कि ये हमारी चूक रही, जैसे भी इसको कल सुबह तक हम जैसे मर्जी करवाएं, पर्सनल करवाएं, जैसे मर्जी करवाएं, आपको क्लीन मिलेगा। अगर कोई इंसान चूक या रियलाइज कर लेता है तो अच्छी बात होती है, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। और अमनदीप चावला जी ने ये बात बोली है कि हमसे रियलाइज मान रहे हैं कि चूक हो गई है, लेकिन कल सुबह आपको ये चकाचक साफ मिलेगा। हमारा मकसद भी यही था कि जिस शख्सियत के नाम पर ये इतना बड़ा चौक बनाया गया, एक यूपी की तरफ से एंटर, जब आप करनाल की तरफ आओ एक एंटर द्वार होता है एक किस्म का, लोगों को लगता है अभी जिसकी मूर्ति लगी है वाकई में क्या 4 चांद लगे हुए सफाई के अंदर, क्या चाक चौबंद किया हुआ है, तो आदमी का आने वाले का दिल भी खुश होता है। और जहां इनेलो भी हो, जजपा भी हो, एक ही फैमिली के एक ही जन नायक हो, यानी कि दादाजी हैं, दुष्यंत के भी दादाजी हैं, दिग्विजय के भी दादाजी हैं, और अभय चौटाला जी के परदादा जी हो गए तो इनके, हाँ, दुष्यंत और दिग्विजय के परदादा जी हो गए और अभय और अजय जी के दादाजी हो गए। बावजूद इनेलो और जजपा के होने के बाद अगर 6 महीने में चौंक की हालत है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बात इसलिए भी ज़रूरी है कि भले ही इनेलो इसकी तरफ ध्यान ना दे लेकिन जजपा सत्ता में। आपने सुना कि अमनदीप चावला ने क्या कहा, अब हम आपको जजपा के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह को सुनवाते हैं कि जब वह मंगलवार को करनाल आए थे तो उन्होंने ताऊ देवीलाल के बारे में क्या कहा था। आपको हैरान करने वाली एक बात बता दें कि जब अमनदीप चावला यह बता रहे थे कि पूरा कुंजपुरा रोड सैनिटाइज किया जा रहा है, एक तरफ तो पूरे रोड को सैनिटाइज करने की बात की जा रही है, लेकिन तकलीफ यह भी रही कि निशान सिंह करनाल तो आए लेकिन ताऊ देवीलाल चौक पर पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। अब आप ही निर्णय कीजिए कि जिस पार्टी के नेता अपने आदर्श और त्याग और जननायक जैसे महान नेता की सुध नहीं ले सकते, तो भला क्या आपको विश्वास है कि वह व्यस्त रोड को सैनिटाइज कर पाएंगे? अब आप भी सुन लीजिए कि निशान सिंह क्या कह रहे हैं और एक प्रवासी मजदूर किस तरह से जजपा की फजीहत कर रहा है। इंसो का 18वां स्थापना दिवस है कल 5 अगस्त को, और ये इंसो का पौधा चौधरी देवीलाल जी के विचारों से प्रभावित होकर के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 17 वर्ष पूर्व लगाया था,
हमें गर्व है हमारे इन छात्र संगठन के जवानों के ऊपर, दिग्विजय चौटाला जी के ऊपर जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंसो के, जिन्होंने छात्रों की समस्याओं को लेकर के हर वक्त तत्पर रहे, उनकी समस्याओं को का निदान करने के लिए, उनको उसे सहूलत दिलवाने के लिए आमरण अनशन पे भी बैठे। और जहाँ तक सोशल एक्टिविटी की बात है, वो हमारी पार्टी का पहला ध्येय है कि हम राजनीतिक बाद में हैं, पॉलिटिकल बाद में हैं, पहले हम एक साझे विचारों को लेकर के, सोशल विचारों को लेकर के, समाज सेवा को लेकर के काम करते हैं। चाबी क्या दे दे? चाबी दे दो हम लोगों को, तो हम लोग साफ सफाई करते रहेंगे बाबूजी इधर पर देख रेख। आपका नाम क्या है? हमारा तो नरेंद्र नाम है बाबूजी। कहाँ के रहने वाले? हम तो MP के रहने वाले हैं बाबू। मध्य प्रदेश? हाँ। किसी का? इधर इटार पंचड़ का काम करते हैं, निगम वालों का है। हाँ, चाबी अगर आपको दे दें तो आप सफाई कर दो? हाँ कर देंगे। रोज करोगे कि भाई संडे संडे करोगे? नहीं रोज कर देंगे बाबूजी, इधर बैठते नहीं है तो साफ सफाई। और ये जो घास घूस होगी ये भी कर देंगे इधर पास आस की सबले की। कमाल की बात है, मध्य प्रदेश का रहने वाला एक प्रवासी मजदूर ये कहता है कि चाबी आप हमें दो, हम इसकी सफाई करेंगे, हम इसकी घास उखाड़ेंगे। अभी ये देखिए, आखिरकार जजपा के नेताओं को हमने जब मौके पर बुलाया तो उन्होंने रियलाइज किया कि चूक हो गई। ये एक खबर है क्योंकि आप एक ताऊ और जननायक के नाम से आप राजनीति करते रहे, आप सारी ज़िंदगी आप सत्ता में कई बार आए, आपकी सरकार बन गई, चाहे वो इनिलो हो चाहे जजपा भी अगर BJP की भागीदारी में, तो कहीं ना कहीं जननायक देवीलाल जी का नाम यूज़ हुआ क्योंकि सबसे बड़ी शख्सियत थी। आज तक जो है इनेलो अगर जजपा से टूट कर आई तो वो भी ना चौधरी देवीलाल के सपनों की बात करते हुए उन्होंने ये सीटें हासिल की और सत्ता में BJP के साथ भागीदारी बन गई। अब ये प्रतिमा आप देख लीजिए, अब कितनी बड़ी प्रतिमा दूर से नज़र आती है। हमारा भी नेताओं से यही सवाल था, हमारी कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है किसी से, चाहे वो इनेलो है चाहे वो जजपा है, दोनों ही पार्टियों के यहाँ कार्यकर्ता हैं। लेकिन कमाल है, पिछले कई महीनों से यहाँ की सुध ली हो, आप देखो आप इतनी बड़ी घास है। तो हमारा जो मकसद सिर्फ एक ये था कि जो इतनी बड़ी जो शख्सियत हैं जो आज दिवंगत हैं और उन्होंने प्रदेश की जनता और देश की जनता के लिए बहुत कुछ किया, गरीबों के हक के बारे में सोचा, गरीब की शिक्षा के बारे में सोचा, मजदूर के कंधों के कर्ज के बारे में सोचा, और भी कई चीज़ें उनके सपनों में थी। और ठेठ हरियाणवी में जब वो चौपाल में आकर लोगों का दुख दर्द बांटते थे, तो यहाँ तक आपको मैंने पहले भी बता दिया कि अगर ओम प्रकाश चौटाला आपकी बात ना सुने तो आप मुझे बताना, मैं उसके कान खींच लूँगा। ये एक बात जो है कोई कोई कह सकता है, सरेआम लोगों के बीच ये बात करना, तो ऐसी महान शख्सियत का हमेशा आदर करना चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए। आपने एक चौक स्थापित कर दिया, लेकिन आपका चौक स्थापित करने का मकसद क्या था? जब आपने चौक स्थापित किया तो आपने बकायदा ये कहा था कि इसको इतना सुंदर रखेंगे कि जब UP से लोग यहाँ आएंगे तो नाम जानेंगे कि ताऊ देवीलाल कोई बहुत बड़ी शख्सियत है। लेकिन आपको मैंने जगह दिखाई, आपको उसके हाल चाल दिखा दिए, पार्क के किस तरह से गंदगी का क्या आलम है। और ये तो मेरे को यहाँ थोड़ा कहना भी पड़ेगा कि जो जो मैंने आपको कमरा दिखाया था जिस पे ताला लगा था, उसके जो आगे एक जाली का गेट था वो भी कोई तोड़ कर ले गया है। और मध्य प्रदेश से आया एक आदमी प्रवासी मजदूर अगर ये कहे कि चाबी आप मुझे दीजिए, सफाई भी मैं करूँगा, झाड़ू भी मैं लगाऊँगा और घास भी मैं खाड़ूँगा, तो इन नेताओं को कुछ शर्म जरूर करनी चाहिए। कैमरामैन सनी चौधरी के साथ हरीश चावला, समाचार एक्सप्रेस, देवीलाल चौक, करनाल। अब हम आपको ले चलते हैं एक वकील के पास, जहां हमारे संवाददाता तरुण मदान ने इसी चौक को लेकर जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने किस तरह के फिक्रे जजपा की पीठ पर चिपका डाले, सुनिए JP शेखपुरा को। दोस्तों मैं हूं तरुण मदान और इस समय आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आज आपको लेकर आया हूं करनाल के ताऊ देवीलाल चौक। ताऊ देवीलाल जिन्हें किसानों का मसीहा माना जाता है, किसानों का मसीहा का दर्जा दिया गया, इन्होंने किसानों के लिए और एक आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं के लिए कड़ा संघर्ष किया, कई बार जेल भी गए हैं, राजनीति भी की है, तो ऐसी कि हाँ दूसरों को नाके चने चबवा दिए लेकिन किसी भी चीज़ के साथ समझौता नहीं किया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इनकी प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री जननायक चौधरी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, लिखा गया है कि 4 अगस्त 2000 को संपन्न हुआ था, उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ। मैं यहाँ पर ये खड़ा हूँ, इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि जिस
जिस इंसान को किसानों का मसीहा बताया गया है, मसीहा का दर्जा दिया गया है, उनकी प्रतिमा तो लगा दी गई, लेकिन प्रतिमा की साफ सफाई को लेकर कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं है। इस समय मौजूदा समय भाजपा और जजपा की सरकार चल रही है। जजपा के उप मुख्यमंत्री भी इनके दादाजी हैं, इनके परदादा हैं और वो भी इनके नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन उन्होंने भी आज तक कभी शुद्ध नहीं लेकिन जबकि उसूल के हिसाब से यहाँ पर प्रतिदिन फूलों की माला चढ़नी चाहिए, इनके आगे दीपक जलना चाहिए। इनके द्वारा जो कहानियाँ लिखी गई हैं, इनके बारे में जो बात की गई है, मैं आपको बता दूँ कि भारत के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के लिए जन कल्याण एक मिशन था। आप समझ सकते हैं कि जन कल्याण क्या चीज़ होती है। वे लोकराज में लोकराज की शक्ति देखना चाहते थे। उन्होंने लगभग 7 दशक देश की राजनीतिक मानचित्र पर एक ऐसी इबारत लिखने में बिताई जिसमें शोषण के खिलाफ एक संपूर्ण जिहाद की बात थी, जिसमें हर रात के लिए काम, हर पेट के लिए रोटी, हर खेत के लिए पानी, हर घर के लिए रोशनी और हर इंसान के लिए छत के सपने थे। वे हर गरीब बच्चे की वीरान आंखों में उज्ज्वल भविष्य की महत्वाकांक्षा भर देना चाहते थे। वे देश की सभी मेहनतकशों के कंधों से कर्जा बोझ झटक देना चाहते थे। उन्होंने विदेशी साम्राज्यवादियों से भी टक्कर ली और स्वतंत्र भारत में भी इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी जिंदगी जूझते रहे। आप इन शब्दों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के ये मसीहा थे, क्यों उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता, क्यों उन्हें आम आदमी का मसीहा कहा जाता था। मैं आपको एक बार फिर से पढ़वा देता हूं। इन्होंने लगभग 7 दशक तक देश की राजनीतिक मानचित्र पर एक ऐसी इबारत लिखी है जिसमें शोषण के खिलाफ संपूर्ण जिहाद की बात थी। इनका एक ही मकसद था कि हर रात के लिए काम होना चाहिए, हर पेट के लिए रोटी होनी चाहिए और हर खेत के लिए पानी होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको इनके इस पार्क की तरफ ले चलता हूँ, जिस हर खेत के लिए पानी की मांग करते थे, लेकिन जिस जगह पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया वहाँ पर ही पानी नहीं है। देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं, शराब के खाली पौए भी इस पार्क में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इनकी प्रतिमा की शुद्ध ली जा रही है, किस तरह से अगर यहाँ पर इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कुछ ना कोई असामाजिक तत्व देर शाम होते यहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसे कामों को अंजाम देते हैं, ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं जो कि इनके लिए बड़ी ही, इनके लिए क्या, संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण ऐसे लोग जो इन्हें अपना मसीहा मानते हैं उनके लिए बड़ी शर्म की बात है। मैं एक बार फिर से देश की राजनीति मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। देखिए किस तरह से इनके आजू बाजू वाले स्थित पार्क में गंदगी है, कोई पार्क नहीं, इनकी प्रतिमा पर से भी मिट्टी चढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं हर तरह से। एक चीज़ मैं आपको एक और सज्जन से मिलवाना चाहूँगा आपसे इस समय, जो मैं आपको मिलवाना चाहूँगा इस समय युवा बोलेगा मंच के पदाधिकारी हैं जेपी शेखपुरा जी, जो इनको अपना मसीहा मानते हैं, जो इनके नक्शे कदम पर। जेपी जी आप देख सकते हैं अभी क्या हालत हो चुकी है। इनके जो इनका मकसद था, जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की, इनको किसानों का मसीहा माना जाता है, लेकिन इन्होंने हर खेत के लिए पानी की मांग की, लेकिन जिस पार्क में आज इनकी प्रतिमा लगी उसी वही खेत भी सूना है, वही पार्क भी सूना है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो गऊ भक्तों के साथ अचानक यहाँ घूम ही रहे थे, पर देखा, ये देखिए हाल, देखिए ये पौवे पड़े हैं, शराब पीते हैं, देसी बोतलें पड़ी हैं, ये पिछले का नहीं पार्क है, अरंगा बजामा हुआ है। और डिप्टी CM अब तो बीजेपी JJP का राज है, चौधरी देवीलाल जी के पोते का राज है। और कल ही निशान सिंह जी जो JJP के जो अध्यक्ष हैं हरियाणा के, वो भी यहाँ पर करनाल में आए थे, दो मीटिंग करके गए। वो तो ये लोग वोट लेते, ये नहीं देखते क्या? आज का दिन चलो 5 तारीख है, वहाँ अयोध्या में भी मंदिर का निर्माण हो रहा है, महापुरुषों के नाम पे ये लोग वोट तो लेते हैं, पर चौधरी देवीलाल जी जो किसानों के मसीहा, मजदूरों के मसीहा, ये सभी के साथ ले। और ये तो भगवान ऊपर से बरसात करता है, धू जाता है, यहाँ कोई धोने नहीं आता है। एक राजीव पाटा भाई थे जो ऊपर चले गए, वो आते थे आए रविवार को, पर ये हालात तो देखो आप, बोतलें देखो, शराब पीते हैं लोग, जुआ खेलते हैं, यहाँ कोई सफाई करने नहीं आता, रोजाना माला डलनी चाहिए। और मैं खास करके सरकार होते हुए भी ऐसी हमारे महापुरुषों की ऐसी स्टैचू ऐसे इस तरह से खड़े हैं, ये राम भरोसे। इनका भी यही कहना है कि ये कितनी शर्म की बात है कि जिनको किसानों का मसीहा, आम आदमी का मसीहा कहा जाता है, उनकी प्रतिमा को धोने वाला कोई नहीं है। जब राम बरसता है, राम के बरसने से जो पानी आता है या वर्षा के पानी से इनकी प्रतिमा जरूर धुल जाती है, लेकिन जिस तरह से पारा की दशा इन्होंने बताई। सर एक चीज़ और बताइए, मौजूदा समय में BJP और जजपा की सरकार है, जजपा के उप मुख्यमंत्री इनके परदादा जी हैं, तो क्या उनको नहीं सोचना चाहिए
बस यही है, बात ये तस्वीर सामने है, इसका मतलब दादा के नाम पे वोट तो ले लिए और उसके बाद उसकी तरफ दादा की तरफ कोई ध्यान नहीं कुछ नहीं, तो बड़ी मतलब सीएम सिटी में शर्मनाक बात है। और यहाँ के हालात देखें, यहाँ के हालात देख करके मुझे तो इतनी शर्म आ रही है। और यहाँ पर रोज़ाना नेता लोग आ रहे हैं, इनका हरियाणा अध्यक्ष कल आया तो उसको देखना चाहिए ना। और मुख्यमंत्री हरियाणा के होते हुए और ऐसे महापुरुषों के स्टैचू देवीलाल चौक या कुछ भी हो, जो ये तो शर्मनाक बात है। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर देश कैसे विकास करेगा, आने वाली पीढ़ियां कैसे जागेंगी। सर इनका ये कहना है कि मौजूदा समय में उनके जो भी सदस्य हैं पार्टी के, जो भी नेतागण है, जो भी अधिकारीगण है, वो समय समय पर आते हैं लेकिन यहाँ की सुध बिल्कुल नहीं लेते। मौजूदा समय में डिप्टी सीएम जो हैं वो इनके पोते हैं, इनके पोते हैं लेकिन उन्होंने भी कभी सुध नहीं ली। इसके अलावा कल निशान सिंह जी जो कि यहाँ के जजपा के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे लेकिन उन्होंने भी इसके बारे में कोई भी कड़ी कार्रवाई, कोई भी उचित कदम उठाने मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने कहा कि बड़े ही शर्म की बात है कि अगर ऐसे महापुरुषों के स्टैचू लगा दिए और उनकी अगर हम लोग देखभाल नहीं कर सकते तो ना ही लगाएँ, अन्यथा ये इनका अपमान है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। सवाल एक करनाल के चौक का नहीं बल्कि सवाल उस महान शख्सियत का है जिनके नाम के दम पर बार बार सत्ता हासिल तो की जाती है लेकिन जब सत्ता हाथ लगती है तो फिर किस तरह आदर्शों, नीतियों और मूल्यों की राजनीति गौण हो जाती है। हमें आज वह चेहरा याद आ रहा है जब वह बेबाक अपने काफिले के साथ इसी चौक पर साफ सफाई के चौक चाबंद के लिए आते थे, साफ सफाई भी करते थे और राहगीरों को चाय और बिस्कुट भी खिलाते थे। भला हो उस पत्रकार का जिसने त्याग और कमेरों के हक की नीतियों की आवाज बुलंद करने वाले ताऊ देवीलाल को अपने दिल में सहेजा और ऐसे नेताओं को रास्ता दिखाया। आज भले ही उस पत्रकार का नाम करनाल की जनता ना जानती हो लेकिन दिवंगत राजीव पाटा के इस नेक दिल कार्य को जनता तो क्या पार्टी के नेता भी नहीं भूल सकते। पहले आप बोल दो। हाँ जी, क्या कार्यक्रम आज? ये जननायक सेवादल के उसमें हर संडे को हमने चाय का और बिस्कुटों का प्रोग्राम चलाया है, फिर देवीलाल जी के उसमें चलाया हुआ है। हर संडे हम इस तरह का कार्यक्रम करते हैं गरीब आदमियों के लिए, जो भी चाय पीने के इच्छुक होते हैं उनको चाय यहाँ प्रसाद के रूप में दी जाती है। नेकी की दीवार चलाई गई है यहाँ पे? नेकी की दीवार का ये गरीब आदमियों के कपड़े जो जरूरतमंद आदमियों के लिए है, जिनको जरूरत है वो ले जाए, जिसके पास फालतू है वो यहाँ रख जाए। ये गरीब आदमियों की एक व्यवस्था बनाई है हमने, जो जिसके पास कपड़ों की व्यवस्था नहीं है वो व्यवस्था हम कर सके। जो देवीलाल जी की पुण्यतिथि से स्टार्ट किया हुआ आज हमारा तीसरा प्रसाद भंडारा जननायक सेवा दल की तरफ से चलाया गया है, इसमें हम बिस्कुट और बिस्कुट और चाय का प्रसाद चलाते हैं। आज देवेंद्र भाई, देवेंद्र स्टोंडी जी की तरफ से इसका शुभारम्भ किया गया, इसकी तरफ से चलाया गया आज ये, इन्होंने आज इस प्रसाद का किया। पिछली बार हमारे बाबा साहब ने किया था, उसे पिछली बार रामदयाल जी ने किया था। मतलब हर तरह से एक साथी है, अपने लेवल पे एक सेवा के भाव से, सेवा जो करना चाहते हैं वो सेवा कर रहे हैं। इस तरीके से हम हर हफ्ते हर संडे को 8 से 9 बजे यहाँ ये देवीलाल चौक पर चाय के प्रसाद का वितरण करते हैं। देश व प्रदेश की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिएगा समाचार एक्सप्रेस। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।